जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपको एनसीसी के बारे में बताता हूँ। एनसीसी की फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट कोर। एनसीसी एक त्रिस्तरीय संगठन है जो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयर फोर्स के तहत काम करता है। इसमें छोटे बच्चों को तैयार किया जाता है जो स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। आइए आपको मैं विस्तार से बताता हूँ। एनसीसी की जो स्थापना है वो 1948 में हुई थी। उससे पहले 1942 में अंग्रेज़ों ने एक ऑफिसर्स ट्रेनिंग, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑफिसर्स ट्रेनिंग खोला था, जो 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने तैयार किया था। लेकिन वो क्या है कि संगठन जो उनकी जो अकेडमी थी वो उस टाइम खरी नहीं उतर सकी। उसी के बेस पे 1948 में एनसीसी बनी, जो सर एनएम कुजरू थे उनके नेतृत्व में। इसके तहत ये निर्णय लिया गया कि जो हमारे युवा हैं, जो बच्चे हैं जो स्कूल्स में या कॉलेज में या विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, उनको एनसीसी के माध्यम से प्री प्रशिक्षण सेना के बारे में दिया जाएगा, जो युद्ध की स्थिति में या आपातकाल की स्थिति में या जैसे कोरोना जैसी महामारी की स्थिति में काम आ सके। उसी के तहत एनसीसी की शुरुआत की गई थी। जो आपको पता होगा होगा या नहीं होगा, 1965 का जो भारत पाक युद्ध हुआ था उसके अंदर भी एनसीसी कैडेट को जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी उसके अंदर गोला बारूद लोड करने के लिए काम में लिया गया था। उसके अलावा जो पेट्रोलिंग पार्टी थी दुश्मन के पैराट्रूपर्स को पकड़ने के लिए, उसमें भी एनसीसी कैडेट्स का बहुत तगड़ा सहयोग रहा था। उसके बाद में संगठन निरंतर चलता आ रहा है। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं तो वे भी एनसीसी कैडेट रह चुके हैं। मैं खुद भी एनसीसी कैडेट हूँ। इस मैं आपको इसके बारे में पूरा विस्तार से आगे और बताना चाहता हूँ। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वे इसमें तीन सर्टिफिकेट होते हैं, ए बी सी, और तीनों अलग अलग मिलते हैं। अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपको 9वीं में एनसीसी ले सकते हैं। 9वीं में एनसीसी का फर्स्ट साल होगा, 10वीं में सेकंड साल होगा। सेकंड साल कंप्लीट होते ही आपको ए सर्टिफिकेट मिलेगा, और ए सर्टिफिकेट के आधार पे आप कोई भी वैकेंसी देखते हो तो आपको पुलिस में 5 नंबर मिलते हैं, आर्मी में 5 नंबर मिलते हैं, और विभिन्न जो राज्य सरकार की भर्ती हैं उसमें 5 नंबर ए सर्टिफिकेट एनसीसी के मिलते हैं। अब आगे बी सर्टिफिकेट आता है। बी सर्टिफिकेट आपको कॉलेज में मिलता है। कॉलेज में आप जब फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो आपको फर्स्ट ईयर में एनसीसी की भर्ती के लिए 1600 मीटर दौड़ाया जाएगा। 9वीं में भी आपको 1600 मीटर दौड़ाया जाएगा। उसके बाद में आपके पुशअप, सिटअप, आपकी हाइट, सब चीज़ों का मेजरमेंट होगा। उसके आधार पर आपको भर्ती किया जाएगा एनसीसी में। कॉलेज में आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन होते हो तो आप उस कॉलेज में एडमिशन लीजिए जिसमें एनसीसी है। एनसीसी का जो है ये सारे कॉलेजों के अंदर नहीं होती है, कुछ ही कॉलेजों में होती है। एनसीसी के लिए आपकी दौड़ कंप्लीट होगी, आपके पुशअप, सिटअप्स, बीम सब अच्छे होंगे, तब आप भर्ती हो सकते हो। एनसीसी का आपके कॉलेज के अंदर दूसरे साल आपको बी सर्टिफिकेट मिलेगा। उससे पहले आपका एग्ज़ाम होगा, आपको 2-4 कैंप अटेंड करने पड़ेंगे, फिर आपको बी सर्टिफिकेट मिलेगा। बी सर्टिफिकेट के 10 नंबर मिलते हैं सभी भर्तियों के अंदर, इसके 10 नंबर हैं। आर्मी भर्ती के अंदर इसके 15 नंबर हैं। फिर आता है सी सर्टिफिकेट। सी सर्टिफिकेट आपको कॉलेज के अंदर तीसरे साल मिलेगा। जैसे जो आपने कॉलेज में की है वो आपकी जूनियर डिवीज़न एनसीसी थी, जो आप कॉलेज स्कूल में की वो जूनियर डिवीज़न थी, और जो आप कॉलेज में कर रहे हैं आपकी सीनियर डिवीज़न एनसीसी है। ऐसी लड़कियों का होता है, स्कूल के अंदर जूनियर डिवीज़न और कॉलेज के अंदर सीनियर विंग बोलते हैं उसको, तो ऐसी लड़कियों की होती है। सी सर्टिफिकेट मिलने के बाद में आपको हर भर्तियों के अंदर 15 नंबर मिलते हैं, और आपको आर्मी भर्ती के अंदर एग्ज़ाम में छूट होती है। सिर्फ जीडी के एग्ज़ाम में और ट्रेडमैन के एग्ज़ाम में आपको छूट होती है। आर्मी के अंदर आपको क्लर्क के अंदर 15 नंबर मिलते हैं। इसके अलावा आप एनए का या कोई भी देते हैं तो उसमें भी आपको 15 नंबर मिलते हैं। एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम आती है जिसके तहत आप इंटरव्यू दे के बड़े जो रैंक का अधिकारी है उस पर भी जा सकते हो। तो ये कंप्लीट एनसीसी की जानकारी है अपनी। आप स्कूल में या कॉलेज में एनसीसी लीजिए, और अगर आपातकाल होता है, जैसे मान लो मैं एनसीसी कैडेट हूँ, मैं अभी तक जॉब में नहीं लग पाया हूँ या ऐसा कुछ है, तो जैसे अभी कोरोना वाला टाइम आया था तो पुलिस फोर्स कम ना हो, इसके लिए एनसीसी जो लड़के थे उनको आदेश किया गया था कि आप अपने सर्टिफिकेट है जो नज़दीकी थानों में जमा करवाइए, और उन्होंने अपने सर्टिफिकेट जमा करवाए थे, उसी के आधार पर उनकी ड्यूटियाँ भी लगी थी, और उनको जितने दिनों ड्यूटी किया था उतने दिनों उनका पारिश्रमिक भी मिला था। तो एनसीसी एक स्पेशल स्पोर्ट विंग के तहत काम कर रही है और अनुशासन और एकता का संदेश देती है, और जो बच्चे हैं वो इसके तहत सेना का प्री प्रशिक्षण ले पाते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी विंग है, इसमें आप अपने बच्चों को भेजिए या आप खुद जाइए। जय हिंद, जय भारत।